पुलवामा आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान को क्रिकेट बिरादरी से अलग थलग करेगा भारत, आज तक से बोले सीओए के चेयरमैन विनोद राय। बीसीसीआई की आईसीसी से मांग, रंगभेद के दौरान जिस तरह दक्षिण अफ्रीका का हुआ था बहिष्कार, वैसा ही बॉयकॉट पाकिस्तान का किया जाए। 16 जून को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच न खेलने के प्रस्ताव पर बोले विनोद राय, ऐसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर बैन की खबरों पर कप्तान विराट कोहली का बयान, कहा मैं देश के साथ। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना न खेलना बीसीसीआई और सरकार का फैसला। अनुच्छेद 35 ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बल की तैनाती, घाटी में अर्धसैनिक बल के जवानों की छुट्टियां रद्द की गई। गृह मंत्रालय ने कश्मीर में सेंट्रल आर्म फोर्सेस की 100 कंपनियां तैनात की, इनमें सीआरपीएफ की 45 और बीएसएफ की 35, 10 एसएसबी और 10 कंपनियां आईटीबीपी के जवानों की तैनात। श्रीनगर में सीआरपीएफ की जगह अब बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों ने संभाला सुरक्षा का मोर्चा। घाटी में अलगाववादियों पर शिकंजा, यासीन मलिक को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। जमात इस्लामी के भी 12 से ज्यादा नेताओं पर सुरक्षा बल ने उनको किया गिरफ्तार। अमीर जमात के अब्दुल हमीद फयाद, जाहिद अली गुलाम, कादर लोम समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। अनुच्छेद 35 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुर्रियत ने आज घाटी में बुलाया बंद, पूरे श्रीनगर में धारा 144 लागू, कई इलाकों में इंटरनेट बंद। बारामूला के रफियाबाद में उपद्रवियों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील पर किया हमला, गाड़ी में लगाई आग। मारे गए आतंकी के जनाजे के लिए जुटे थे उपद्रवी, इसी दौरान अब्दुल गनी वकील पर किया गया हमला, पुलिस ने उन्हें सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक पर पत्थरबाज और सुरक्षा बलों में झड़प, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 35 को हटाने की अफवाह पर भड़की हिंसा, पुलिस के बल प्रयोग करने से भागे पत्थरबाज। अलगाववादियों की गिरफ्तारी पर छलका, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का दर्द, किया सवाल, किस आधार पर की गई हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी। उमर अब्दुल्ला का बयान, कुछ सरकारी आदेशों को लेकर घाटी के लोगों में है घबराहट, ईंधन और खाने पीने की सामग्री जुटा रहे लोग। कल जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को भारत के दबाव का खौफ, पाकिस्तान को दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं करने की धमकी दी। अजहर मसूद ने कहा मोदी की धमकी के जवाब में प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान से लगता है डरा हुआ है पाकिस्तान। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम बैठक, कई आला अफसर तलब। रक्षा मंत्रालय की तैयारी, अब छुट्टी से गया जवान घर पहुंचने तक ड्यूटी पर माना जाएगा, एक्सीडेंट को देखते हुए यह फैसला। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक, 2 दिनों तक चलने वाली बैठक कल से होगी शुरू, सेना की तैयारी पर होगी चर्चा। 25 फरवरी को भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ भी बैठक, 2 दिनों तक पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर मंथन। पुलवामा आतंकी हमले के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार के रिश्तेदार तौसीफ से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। पुलवामा हमले के बाद भारत की कूटनीतिक सफलता, भारत को मिला मुस्लिम देशों के शक्तिशाली संगठन ओआईसी का न्योता। अबुधाबी में 1 से 2 मार्च को आयोजित किया गया ओआईसी का 46वां सत्र, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देंगी उद्घाटन भाषण। भारत को इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया, विपक्ष ने न्योता कबूल करने पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान, ओआईसी से भारत को न्योता, खुशी नहीं हैरानी की बात है, कश्मीर मुद्दे पर हमेशा ओआईसी ने पाकिस्तान का दिया है साथ। असुद्दीन ओवैसी ने भी किया विरोध, कहा भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल बताने वाले संगठन ओआईसी की बैठक में विदेश मंत्री का जाना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान जाने वाली रावी का पानी रोकने के लिए शाहपुर के डी डैम पर जोर शोर से हो रहा है काम, 3 साल में परियोजना पूरी होने का अनुमान। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था जिक्र, भारत रोकेगा पाकिस्तान जाने वाला पानी, शाहपुर कैंडी डैम से 206 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। पुलवामा हमले के बाद 11 दिनों से बाघा अटारी बॉर्डर पर खड़े हैं करीब 450 ट्रक, पाकिस्तान से सामान लेकर भारत आ रहे थे, नहीं मिली मंजूरी। प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार, कहा दम है तो करे 4 काम, पाकिस्तान जाने वाला सतलुज का पानी रोके, धारा 370 हटाएं, पत्थरबाजों पर बमबारी कराएं और युद्ध कर पाकिस्तान का नामोनिशान मिटाएं। तोगड़िया बोले पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टेके घुटने, हिम्मत नहीं तो इस्तीफा देकर गुजरात में फरमाए आराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज करेंगे सीएम योगी अपने शहर गोरखपुर में स्वागत, कांग्रेस की प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान सौंपने के बाद से बीजेपी का पूर्वांचल पर है जोर। गोरखपुर में आज किसानों को बड़ा तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किश्त किसानों में बांटेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त में 12 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 2,000 रुपए। छोटे किश्तकारों को साल में कुल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कल अमित शाह ने गोरखपुर में 2 दिवसीय किसान अधिवेशन का किया था उद्घाटन। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रेडियो पर करेंगे मन की बात। उठा सकते हैं आतंकवाद और पुलवामा का मुद्दा। आज प्रयागराज भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक भी होंगे साथ। दोपहर 2:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सड़क मार्ग से पहुंचेंगे संगम तट, 1.5 घंटे संगम परिसर में बिताएंगे वक्त। संगम तट पर हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री। बाद में स्वच्छ भारत मिशन के सहयोग देने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ करेंगे संवाद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मतभेद की खबरों को किया खारिज, कहा हम दोनों का रिश्ता दूध और चीनी जैसा। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता को किया खारिज, कहा अमेठी और रायबरेली सीट पर भी होगी कांग्रेस की हार। एसपी बीएसपी गठबंधन को भी बताया बेअसर। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सीएम केजरीवाल करेंगे भूख हड़ताल। 1 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे सीएम केजरीवाल। ने कल दिल्ली के शाहीन बाग में विकास कार्यों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बरसे। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का पलटवार, कहा 4 साल की नाकामी छुपाने के लिए रिवर्स मोड पर चल रहे हैं केजरीवाल, फिर से शुरू कर रहे हैं धरना राजनीति। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी को तमिलनाडु के सीएम से लगाई गुहार, सभी 7 दोषियों की हो पूर्व रिहाई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर का किया दौरा, भारत के मन की बात कार्यक्रम में की शिरकत। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी का कांग्रेस प्रभारी बनाने के बाद उनकी पत्नी प्रियदर्शनी के गुना से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा। गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए सीएम मनोहर पर्रिकर, स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने मुलाकात के बाद दिया रूटीन जांच का हवाला। फरवरी महीने में भुवनेश्वर में गर्मी और पारे ने किया हैरान, शनिवार को 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। यूपी के हरदोई में हुई भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए, 5 लोग घायल, हालत गंभीर। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद उछल गई ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर ड्राइवर के अचानक ट्रैक्टर मोड़ने से हुआ हादसा। दिल्ली के दौलतराम कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन, हॉस्टल मैनेजमेंट के खिलाफ उठाई आवाज। छात्राओं का गंभीर आरोप, छात्रावास प्रशासन सोशल मीडिया से उनकी तस्वीरें निकालकर पहनावे पर करता है कटाक्ष। मुरादाबाद में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत उनकी कंपनी के 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। नर्मदा में सबस्टेशन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, कई इलाकों की बिजली गुल। देहरादून रेलवे स्टेशन पर शॉर्टिंग के दौरान प्लेटफॉर्म से टकराई दून एक्सप्रेस, गनीमत रही कि उस वक्त नजदीक नहीं था कोई भी राहगीर। बेंगलुरु के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग, हजारों एकड़ इलाका हुआ तबाह। शनिवार को लगी आग के बाद से काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। पटना में गांधी मैदान के पास कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश फरार। पटना के मुकामा में शेल्टर होम से लापता 7 लड़कियों में से 6 दरभंगा से बरामद। लड़कियां दरभंगा कैसे और क्यों पहुंची थी, पुलिस ने इस बारे में अभी नहीं किया कोई खुलासा, एक लड़की अभी भी है लापता। बर्दवान में हुए सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत, ड्राइवर हुआ घायल, हाईवे से पलटकर खेतों में गिरी बेकाबू गाड़ी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की नकली शराब बरामद की, 10 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने स्कोडा सवार 2 लोगों को किया गिरफ्तार, विदेशी ब्रांड के नाम पर नकली शराब के गोरख धंधे का हुआ खुलासा। विशाखापट्टनम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में गांजा बरामद। मयूरभंज के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में शिकारियों और लकड़ी की तस्करों का बोलबाला, बड़े पैमाने पर काटे गए पेड़। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सोलंग में प्रदर्शन, महिला कॉलेज ने निकाला शांति मार्च। शहीद शोभित शर्मा के 6 साल के बेटे की इच्छा, सीएम योगी करें उनके पिता की मूर्ति का अनावरण। मार्च 2018 में सुकमा में शहीद हुए थे शोभित। आगरमालवा में स्कूली बच्चों को साल भर इंतजार के बाद मिली आधी ड्रेस, पेंट की जगह हाफ पेंट मिलने से छात्र निराश। दिल्ली बुधबिहार में घटी दर्दनाक घटना, आर्थिक तंगी से परेशान एक शख्स ने अपने 6 साल के बेटे की गला दबाकर की हत्या। रायसेन जिले के बरेली में शादी समारोह में मची चली गोली, 8 साल के मासूम समेत 3 लोग घायल। असम के गोलाघाट और जोरहाट में जहरीली शराब का तांडव, मरने वालों की संख्या 102 पहुंची। असम जहरीली शराब कांड में अब तक 7 गिरफ्तार, राज्य सरकार 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में 54 दिन बाद कब्र से निकाला गया छात्र का शव, संदिग्ध मौत की जांच के लिए फिर से होगा पोस्टमार्टम।
बिहार के दानापुर में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक परिजनों का हंगामा। पंजाब में दीनापुर गुरदासपुर हाईवे पर बाइक कार की भीषण टक्कर, महिला की मौत, पति जख्मी। मेरठ के मणपुरम गोल्ड के दफ्तर से 10 किलो सोना लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 गिरफ्तार। बाराबंकी में 40 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद, 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के मसूरपुर में 250 पेटी देसी और विदेशी शराब जब्त, हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। जहरीली शराब से असम में कई लोगों की मौत के बाद दिल्ली में छापामारी, एक शराब माफिया समेत 2 गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने 3 बदमाशों का निकाला जुलूस, मर्डर केस में पकड़े गए थे तीनों। नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन से तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार, तमंचा लेकर मेट्रो में बैठने की कर रहा था कोशिश। समस्तीपुर से सिवान जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी, कुछ यात्रियों को मामूली चोटें। मुजफ्फरपुर के काली मंदिर चौक के पास बेकाबू बस ने पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। फरीदकोट के बहुचर्चित कोटकपूरा फायरिंग में आईजी परमराज सिंह की पुलिस कस्टडी, 3 दिन और बढ़ी, 14 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद आज किया गया था पेश। यूपी के फतेहपुर जिले के खखरेरू के जंगल में युवती का शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर भीष्म शरानी की सराहनीय पहल, सरहद पर घायल होने वाले सुरक्षा बल के जवानों का मुफ्त करते हैं इलाज। कठुआ में मशरूम उत्पादन से महिलाओं में बढ़ी आत्मनिर्भरता, मशरूम की खेती में 150 महिलाओं का समूह सक्रिय। कर्नाटक में कुलबर्गी जिले के बेगमाली गांव में जल संकट से जूझ रहे लोग, 3 किलोमीटर तक चल कर लाना पड़ता है पानी। नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को सेक्टर 18 में कराई राहगीरी, शाम के वक्त राहगीरी का बना रिकॉर्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में समारोह, जुटाए गए 20 लाख रुपए, दिए जाएंगे शहीदों के परिजनों को। आज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज शुरू, विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे होगा मुकाबला। आज तक से खास बातचीत में यजुवेंद्र चहल ने जताई उम्मीद, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का वर्ल्ड कप के लिहाज से उठाएंगे फायदा। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस में बहाया पसीना, पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेजन ने खिलाड़ियों को बताई कुलदीप और चहल की काट। 2-0 से क्लीन स्वीप कर श्रीलंका क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम। भारत टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार, दक्षिण अफ्रीका 3rd स्थान पर खिसका। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।